ये मस्जिद तकरीबन 150 साल के करीब पुरानी है। यो हिजरी उर्दू हिजरी से बनी हुई है 1310 की, और अपना ये सन पड़ता है 1878 के करीब लगे सके की हैगी। नूर महल तो जलंधर हाईवे ते किलोमीटर की दूरी ते पैंदी मस्जिद खानगा। जुम्मे दी नमाज वाले टाइम इत्थे किन्ना क व्यक्तियां दा रश हुंदा जां किन्ने क व्यक्ति पहुंचदे ने? तो कट भाई 80-90 तो प्लस ही हुंदा। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। पंजाबी लहर सांझां दे प्रोग्राम इबादत गाह देख रहे सारे ही दर्शकों का तहे दिल तो धन्यवाद। और अज पंजाबी लहर सांझा टीम जो है वह पहुँच चुकी है नूर महल तो जलंधर हाईवे ते किलोमीटर की दूरी पर पैंदी मस्जिद खानगा। खानगा मस्जिद के तुहानू इंतजार करवाने, आओ चलिए। और देखो जी 132 साल के करीब पुरानी मस्जिद है जी, और सामने लिखे है नाम जिन्ह ने बनाई है मस्जिद, काफी इतिहासिक मस्जिद सारा मतलब लिखे है लिखा है।
गलबात करते हैं इत्थों दे इमाम साहब नाल और जानकारी प्राप्त करते हैं इस मस्जिद बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब तुहाडा नाम की है जी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। हाँ जी इमाम साहब, तुसीं सानूं ये जानकारी दिओ कि यह मस्जिद जो है ये किन्नी कु पुरानी है? ये मस्जिद तकरीबन 150 साल के करीब पुरानी है। ये हिजरी उर्दू हिजरी से बनी हुई है 1310 के, और अपना ये सन पड़ता है 1878 के करीब लगे सके की है। हाँ जी इमाम साहब, ये भी दसो कि इत्थे बच्चों नूं कुरान पाक की तालीम दी जाती है? हाँ जी, इत्थे दी जाती सी, लॉकडाउन के करके हाले नहीं शुरू की है। अच्छा। वो घर से ही करते हमले। हाँ जी, नूरमहल शहर की जामा मस्जिद की कमेटी ही इस मस्जिद की भी देख रेख कर रही है, और आओ उन्होंने गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तुहाडा नाम की है वीर जी? मेरा नाम मखनदीन गुजर जी। तो मखन जी, तुम सू दसो कि ये जो मस्जिद का जो देख रेख है वो सारी कमेटी फिर किस तरीके हैंडल करती है? इन जी बड़े वधिया तरीके कर रहे, सारे मिलजुल के कर रहे हैं। बाकी आले दुआले पिंड तो भी अपने लोग इतने नमाज पढ़न आ रहे हैं, जिस तरह चूहे की पिंड हो गया अपने नज़दीक या किलोमीटर से, चीमा तो आ रहे, चीमा कलां चीमा खुरद तो भी कुछ अपने साथी नमाज पढ़न आ रहे, उधर भी पढ़ रहे हैं। फिर अपने लागे पिंड आ सिद्धमा ताल वाली, फिर इधर पंडाला पिंड आ अपने लागे शाके, मतलब कि काफ़ी सारे पिंड तो इतने नमाज अदा करने लिए लोग आते हैं? आते हैं जी, आले दुआले जिन्हें भी पिंड के लोग आ रहे हैं। उदा भी जिदा सालाना कोई जलसा हो रहा, कुछ भी हो रहा, शिरकत करते, कोट बादल खां हो गया, इन्हों तो आल साडा जाना कि जो मस्जिदों का सर्कल आ वो आ रहे हैं। कोट बादल खां, फतेहपुर, राजवाल, ये पिंड लागे लागे पेंदे, उधरों भी इधर लोग जो सालाना जलसा होंगे सारे पहुँचते आ, सारे आते हैं। बाकी होर धर्मां दे लोग भी साढ़े नाल शामिल होंगे आ, तो बड़ा मिलजुल के सारा सब जो भी करते प्रोग्राम मिलजुल के करते हैं। इतने नूरमहल अपने मोढ़े आ जी, नूरमहल के तो आते ही आते सारे, काफ़ी महल आ नूरमहल के, तो सारे महल तो लोग आते हैं। जिदा गुजरा महला हो गया नूरमहल का, होर भी महल आ मियाँ शाह फतेह अली वाला इलाका, उधरों भी लोग आते हैं, वो इतने पहुँचते हैं। मतलब कि कहने का भाव यह कि काफ़ी सारा एरिया जोड़ा आ इस मस्जिद में पैंता है, और सारे ही इतने नमाज अदा कर आते हैं जी। सारे आते हैं, जुमे की नमाज पर भी आते हैं, फिर पाँच टाइम नमाज होंगी उदों भी आ रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि मस्जिद आबाद आ। बाकी होर भी इत्थे दे लोकां दा बड़ा सहयोग आ, साडे नाल मिल जुल के रह रहे आ, सारे साडी हैल्प करदे आ, कोई भी चीज़ दी लोड़ आ साडी मदद करदे आ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, तुहाडा नाम की है वीर जी? जी साडा नाम अली अहमद हैगा जी। अली अहमद, अली जी तुसीं सानूं इह दस्सो कि तुसीं हर रोज़ दी नमाज अदा करन आंदे हो? हाँ जी हाँ जी, हर रोज़ ते। और जुम्मे दी नमाज वाले टाइम इत्थे किन्ना क व्यक्तियां दा रश हुंदा, जां किन्ने क व्यक्ति पहुंचदे ने? जी देखो वो परमामेंटली तो भाई नहीं दस सकते, उदा भाई मिनीम घट तो घट भाई 80-90 तो प्लस ही होंगे, थले नहीं होंगे उत्ते ही होंगे। शुक्रिया मेहरबानी। मक्खन जी, तुसी सानू इस मस्जिद के नाल जुड़िया होर भी रोचक गल्लां बारे जानकारी दो, तो होर भी दसो इसका इतिहास किन्ना पुराना है? ये जी 132 साल के लगभग पुरानी मस्जिद है, तो मस्जिद तमीर कराने वाले का नाम प्लेट के उत्ते लिखा ही है, गुलाम जलानी जी, उन्होंने वाल का नाम से पिशर बाज खान, उन्होंने ये मस्जिद बनी है। इस मस्जिद के लागे एक खूह सी छोटा जहा, वो इस टाइम असी कवर कर दिता है, तो काफ़ी हद तक ये पुरानी मस्जिद सी, फिर ये आबाद हुई दोबारा। पहले ये मस्जिद नानकशाही इटा के नाल बनी हुई है ना? नानकशाही इटा के नाल बनी हुई है, तो कारागरी का बेमिसाल है जी, बड़ी वधिया कारागरी की है, जिन्होंने आप कही मीनाकारी फोलिया, इसी तरह सामभ के रखी गई है। एक हिंदू परिवार ने पहलों सामभ के रखी, जिन्होंने आप कह दी पंडित, वो यदि देखभाल कर रहे थे। उस तो बाद फिर साडा इतने आना जाना हो गया, असं अपनी नमाज अदा कर लग पे हाँ, तो काफ़ी हद तक हजे भी वो आते रहे, हजे तक भी वो जो हिंदू परिवार से वो इस मस्जिद की देखभाल करता सी। हूँ उन्होंने डेथ हो गई है, तो हूँ नहीं आते, उन्होंने लड़के भी हले कि इस मस्जिद की देखभाल कर, वह भी जरूर आते साडे नाल मिल के। वाकई जे खूबसूरती की गल करिए देख सकते हो कि इन्नी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है, और देख के अखा नज़ारा जहा आता है कि वाकई कारीगर ने अपनी पूरी मेहनत के नाल इस बनाया है। तो होर कोई जानकारी इस बारे तुम देना चाहो साढ़े इस चैनल के राही? होर असी जानकारी ये देना चाहते हैं, भी आओ इस मस्जिद में देखो,
नमाज भी पढ़ो। पुरानी मस्जिद आ काफ़ी इतिहासिक शानदार देखने वाली चीज़ आ। बाकी नूरमहल शहर इतिहासिक है, वो भी देखने वाला। जो किसी इच्छा हो आओ, असं उन्होंने जरूर घुमावे, मस्जिद भी दिखा लेंगे। और कोई पिंड ने भी किसी ने मस्जिद देखना चाहते तो असं उन्होंने जी वेलकम करते हैं, उन्होंने दिखाने पूरा इज्जत मान करते हैं। जे किसी की इच्छा हो तो आओ, असं उन्होंने हर वेले तैयार हैं सेवा लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। ये मस्जिद खानगा नूरमहल। और इस तरह ही पंजाबी लहर सांझा चैनल के नाल जुड़े रहो। चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। इबादतगाह प्रोग्राम इवें ही जुड़े रहो। और असी तुहानूं हर रोज़ एक नवी मस्जिद दे दीदार करवावांगे। पंजाबी लहर सांझा चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। इस तरीके नाल इबादतगाह प्रोग्राम नाल जुड़े रहो। कैमरामैन सरबजीत दे नाल मैं तुहाडा अपना वारस। जीउंदे रहो, खुश रहो, आबाद रहो। रब रखा।